दोस्तों मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आ रहा है और मकर संक्रांति के दिन भारत के काफी सारे राज्य में पतंग उड़ाए जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना है, लेकिन इस दिन पतंग क्यों उड़ाई जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हम में से काफी सारे लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे दो कारण है। पहला है धार्मिक मान्यता और दूसरा है वैज्ञानिक कारण। हम अगर धार्मिक मान्यता की बात करें तो इसके साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन प्रभु श्री राम ने पतंग उड़ाई थी, जिसके बाद इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई और इस बात का उल्लेख तमिल ग्रंथ तंदनान रामायण में भी मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गया धार्मिक कारण। अब बात करते हैं इसके साथ जुड़े हुए वैज्ञानिक कारण की। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन काफ़ी ठंड रहती है, ऐसे में जब हम पतंग उड़ाने खुले आसमान के नीचे जाते हैं तब हमारी बॉडी धूप के कांटेक्ट में आती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा धूप में रहने से सर्दियों में होने वाली स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिलता है। और भारत के काफ़ी राज्यों में मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। और गुजरात जैसे राज्यों में इस दिन उंधियू खाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारी हरी सब्जियां पड़ती है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।